तो सुन, तेरी गाड़ी के लिए बोल दिया है मैंने, गाड़ी वक्त पर पहुंच जाएगी, तू जल्दी से पैकिंग खत्म कर ले। गाड़ी रह कहाँ गई है, बहुत लेट हो रहा हूँ मैं। अरे इम्प्रूवमेंट है फौजी, भाभी तो खुश हो जाएगी कि तुझे इंसान बना के भेजा है। भाभी जी को हमारा नमस्ते बोलना। और सुन, सगाई की थोड़ी मिठाई विठाई लेके आना जरा। और यहाँ पर मेरी जान निकली जा रही है और तुझे अपनी पड़ी है। अरे बाबा, अपनी सारी जान यहाँ निकाल देगा तो भाभी के सामने का खाली हाथ जाएगा। अरे सुना तुम लोगों ने? क्या भाई? ठीक से पता नहीं, लेकिन ना बॉर्डर पे एम्बुश हुआ है और हमारी एक टुकड़ी उन्हें छुड़ाने जा रही है। देख क्या रहा है, तेरी पैकिंग खत्म कर और तू निकल ले, चल बाय। हो यार, मैं भी पहली बार फ्रंट पे जाता, लेकिन सगाई पे भी तो पहुंचना जरूरी है मेरा। वो कहाँ रह गई ये गाड़ी? एक तो ये बेबे हमें बुला के पता नहीं खुद कहाँ चली गई। पता नहीं, बेबे तो कह रही थी कि आने वाली है। ओए अंग्रेज हीरा, तुम लोग अभी आ रहे हो? लो कर लो गन। ओ बेबे, एक घंटे से तेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ घर बाकी रह गए थे न्योता देने के लिए, वहीं से आ रही हूँ। मेरे समीर पुत्र की सगाई है, पिंड का हर घर शामिल होना चाहिए। क्यों महक? अरे ऐसे धीरे धीरे करोगे तो कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, देर हो रही है, बहुत काम पड़ा है। गोपी, तूने सब्जियों का ऑर्डर दे दिया है ना? सब्जियां सवेरे सवेरे पहुंच जानी चाहिए, और हाँ, सब्जियां ताजी होनी चाहिए। ओ बेबे, ओ ये क्या देखेगा, इसे पहले शीशे में अपनी शक्ल देके सासवर तो लेने दे। हमारा क्या सजना सवरना, सगाई तो समीर बाबूजी की हो रही है ना, बहर जी के साथ। कर ला गल, ओए तेरे साथ तो वही हिसाब है, मुर्दा बोले कफन फाड़े। अरे जब भी मुंह खोलेगा ना उल्टी बात ही करेगा ये। तुम दोनों फिर शुरू हो गए, तू फिक्र ना कर, जयराम हलवाई को कह दिया है, मुंडे भिजवा देगा, काम हो जाएगा। ओ बेबे, ओ क्या बात करती तूने, ओ कोई मुंडों की जरूरत नहीं है बेबे, हम सब है ना, खुद संभाल लेंगे। ग्रेस, पूरा पिंड इकट्ठा हो रहा है, शानदार जश्न होना चाहिए, हवेली पर सगाई और ढाबे पर खाना। पर बेबे, वो खाना ढाबे पर क्यों? ढाबे पर पार्टी का माहौल चंगा जमेगा, नाच गाना होगा। ओ बेबे, वो इतनी बड़ी हवेली है, जब सब कुछ यहाँ पे हो रहा है तो खाना भी यहीं पे होना चाहिए ना। कल तो तू ठीक कर रहा अंग्रेज, तेरी ड्यूटी तू जाने। ओए क्या कर रहे हो? तेरी इस खुशी पर मेरे 100 जन्म कुर्बान बेबे। सोचा नहीं था कभी कि समीर से मेरी शादी होगी, पर कोई बात नहीं, तेरी इस खुशी में मेरी सबसे बड़ी खुशी। सर, सर मिशन फतेह पर ये 9 लोग आपकी टीम में होंगे, जनरल ने आपसे अप्रूव करवाने के लिए कहा है सर। बलवंत सिंह, सी नितिन, अमित कुमार, जयमंगल सिंह, एक और सोल्जर जाएगा हमारे साथ। समीर अटवाल, समीर अटवाल, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है और तुम्हें मिशन पर जाने का आदेश दिया जाता है। सुन तो, मैं कुछ भूल तो नहीं रही, वो कच्चा सब पूरी लिस्ट बन गई है बेबे। और मेहर की सगाई की अंगूठी, और दोपहर तक वो भी पहुंच जाएगी, और उसका नया जोड़ा, वो तो मैं ले आई, और मिठाई। ओ हो गया बेबे, हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने शगन का बाकी सामान उसमें डाल दिया, और वो क्या कहते हो, ड्राई फ्रूट भी डाल दिया। सच? ओ बेबे, तूने वो म्यूजिक वाले को कह दिया? हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई, जब तक मेरा पुत्र कूद कूद के नहीं नाचता ना, जश्न पूरा नहीं होता। तू जल्दी इसे म्यूजिक वाले को फोन लगा, चल जल्दी कर।
हेलो अंग्रेज बेबे को फोन दे। ओ, ओ बेबे उससे रहा नहीं जाता, कुछ ही देर में पहुंचने वाला फिर भी फोन कर रहा है। समीर है समीर कब तक पहुंच रहा है पुत्र? बेबे मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाएगा? मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है, मुझे फ्रंट पे जाना है एक मिशन पर। बेबे मैं हूँ, क्या हुआ? मेहर तू बेबे को संभालना। हाँ अरे लेकिन बात क्या है? मेहर मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है, मुझे मिशन पर भेज रहे हैं, मैं सगाई के लिए नहीं आ सकता। ये तो क्या कह रहा है समीर? बेबे यहाँ पे इतनी सारी तैयारियां कर रही हैं और मेहर मेहर मेरी बात सुन, बेबे को कहना कि मैं बेबे का बेटा हूँ, एक सच्चा फौजी, वर्दी पहनी है, वर्दी की इज्जत रखने जा रहा हूं, वर्दी पे दाग नहीं लगने दूंगा कभी, वतन से गद्दारी नहीं करूंगा। वतन ने बुलाया जाना तो है ना, तो कहेगी ना बेबे से? और सुन बेबी और अपना ख्याल रखना, बेबी से कहना मैं आऊंगा, जल्दी वापिस आऊंगा। और तू भी सुन, मेरा इंतजार करना। सुन रही है ना तू? हाँ हाँ। इंतजार करना मेरा। चल समीर देर हो रही है। अच्छा मेहर सुन, गाड़ी में सब इंतजार कर रहे हैं मेरा, मुझे जाना होगा, कब रखा? समीर 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 सुन दो, मेहर से शादी होने वाली मेरी। तू भूल रहा है बेटा कि समीर तेरा भाई है और मेहर उसकी होने वाली बीवी। मैंने तुझसे दिल की बात की थी अपना दोस्त समझकर, मैं तेरी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी हदें भूल जाए। रिपोर्टिंग कमीशन सर। आखिरी मिशन, गुड, लेट्स मूव देन। ऐसा नहीं हो सकता, रुक उसे, रुक जा समीर, 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 बेबे, समीर रुक जा, समीर, बेबे, बेबे, बेबे कहाँ जा रही है? रुक जा, बेबे रुक, बेबे, समीर रुक जा, बेबे, बेबे रुक। मेरे समीर को रोक, हम इसे रास्ते से वापस लाएंगे, वो मानेगा कैसे नहीं? मैं माँ हूँ उसकी, तू चलते क्यों नहीं? बेबे वो जा चुका है, कुछ नहीं कर सकते। तूने उससे कहा था ना कि वर्दी की लाज रखेगा तो ही पहन, तो वो वही करने गया है बेबे, वो अपने देश के लिए लड़ने गया है। हम सिर्फ उसके फतेह की दुआ कर सकते हैं।
से देखो, ये वही चौकी है जिस पर दुश्मनों ने कब्जा कर रखा है। हमें उन्हें यहाँ से खदेड़ना है। अगर हम सीधे रास्ते जाते हैं तो हम पे गोलाबारी हो सकती है। इस रास्ते पे माइंस बिछी हो सकती हैं, उन्हें हाइट का एडवांटेज मिल सकता है। एक और रास्ता है जो जंगल से होता हुआ जाता है, जो कि सेफ है, हमें चौकी के काफी करीब ले जाएगा। हमारे सिपाही उनके गिरफ्त में है, हमें उन्हें वहां से सेफली निकालना है। दो दस्ते बनेंगे, अल्फा दाएं से जाएगा और बीटा बाएं से। अल्फा दुश्मन का ध्यान बटाएगा और बीटा पीछे से कवर देगा। टाइम कम है, नो रेडियो नो वायरलेस, 10 मिनट में खेल खत्म। याद रहे, बीटा इसी रास्ते से वापस जाएगा मिशन खत्म होने के बाद, और अल्फा नहर पार करके बॉर्डर क्रॉस करेगा। एनी क्वेश्चंस? नो सर। आई रिपीट, अल्फा जोखिम उठाएगा और बीटा कवर देगा। अल्फा को मैं लीड करूंगा और मेरे साथ सिर्फ एक सिपाही जाएगा। खतरा है, शायद वापस लौट के ना। एनी वॉलंटियर्स? मैं अपने वीर जी के साथ जाऊंगा। सॉरी सर, समीर मेरे साथ जाएगा। बीटा ग्रुप को दयाल लीड करेगा, बाकी सब इसी ग्रुप में रहेंगे। एक बात का ध्यान रहे, वापस जिंदा लौटना है, और अगर कोई कैजुअलिटी हुई उसके लिए अभी से अलविदा। गेट योर गेस, समीर। डर लग रहा है? नहीं जी, मेरे वीर जी मेरे साथ है तो डर क्यों लगेगा। पर मरवर गया ना तो बेबे को बस इतना कह देना कि उसके बेटे ने ना वर्दी की इज्जत रख दी। दिखा मेरे पुत्र की रक्षा कर, वो सही सलामत वापस लौटा।
चला पूरब, चला गोली पूरब। वीर जी, अगर आप ही ना होते मैंने बचना नहीं था आज। मौत को इतनी पास से देख लिया, सिर्फ 2 सेकंड की कसर रह गई थी। अगर मैं मर भर जाता तो बेचारी मेहर का क्या होता। वो तो रो रो के जान दे देती अपनी। मैंने ना उसे वादा किया था कि मैं वापिस आऊंगा, और देखो ना मैं वादा पूरा कर रहा हूं। बस अब एक भी दिन नहीं रुकूंगा, वापिस जाते ही छुट्टी लेके सीधा पिंड, फिर से गाई, फिर धूमधाम से शादी, और मेहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताऊंगा अपनी। पूरा प्लान कर लिया मैंने। चलो वीर जी जल्दी चलते हैं। चलो समीर। हाँ जी वीर जी। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन तुझे मेरे और मेहर के बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझसे ज्यादा प्यार तो कोई मेहर से कर ही नहीं सकता। तू मेहर के लिए जान दे सकता है, और मैं मेहर के लिए जान। ले सकता हूं।